कुछ दिन पहले पूरा देश गर्मी से हांफ रहा था, लेकिन जैसे ही मानसून ने रफ्तार पकड़ी तो तस्वीर बदल गई। अब लोग बारिश को देख के बाप बाप कर रहे हैं। बारिश ने गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन कई इलाकों में यह बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक आधे हिंदुस्तान में बाढ़ के हालात बन गए। कई जगह यह जानलेवा बारिश हो गई है, लोगों की जान चली गई। नदी नालों में ऐसा उफान आया कि नदियां सड़कों से होकर बहने लगी। मैदानी इलाकों में तो बाढ़ आ गई, जानवर बह रहे हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों की जान आफत में। आज पाठशाला में देश भर में इस मॉनसून के सीजन में क्या चल रहा है, उस भयावह तस्वीर को दिखाऊंगा। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बारिश आफत बनकर टूटी। उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीर देखिए, इसमें दो कार सैलाब के बीच फंसी हुई नजर आ रही। असल में यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले में ऐसा उफान आया कि मकानों के बीच से गुजर रही सड़क पर सैलाब आ गया। एक कार सवार सैलाब की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाया। उसने नाले को पार करने की कोशिश कर ली, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार बहने लग गई। गनीमत यह रही कि कार सड़क के किनारे बनी रेलिंग में जाकर अटक गई और उसकी जान बची। इसी तरह जरा एक बार तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। ये तस्वीर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है वो नदी में पार्क कर दी गई, लेकिन सच्चाई यह है कि बारिश इतनी तेज हो रही है कि नदी शहरों में बह रही है, ऐसा लग रहा है सड़कों पर बह रही है। ऐसा नदी नालों में उफान आ चुका है, तो भारी बारिश से उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ भी टूटने लगे हैं। अब जरा यह तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की देखिए, जहां लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड के साथ आया मलबा सड़क के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहाकर ले गया। यह तस्वीर देखिए, सड़क बह गई भाई, पूरी सड़क बह गई, यह हालत हो रखी है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की मार यूपी के सहारनपुर पर भी पड़ी। सहारनपुर की तस्वीर देखिए, जहां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के पास अचानक शिवालिक की पहाड़ियों से तेज बहाव वाला पानी रास्ते पर आया, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कई श्रद्धालु पानी की धार में फंस गए। हालांकि बाढ़ के खतरे को देखते हुए वहां पहले से मुस्तैद टीम ने लोगों को पानी की दूसरी तरफ पहुंचने में मदद की। इस दौरान कई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए। लगातार हो रही बारिश की मार से इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल हो गए। जरा जानवरों का हाल दिखाता हूं। ये तस्वीर अयोध्या के गुप्तार घाट की, जहां बारिश की वजह से उफान पर आई सरयू नदी में दो गायें बह गई। हालांकि उनका बाद में रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों गाय काफी दूर से नदी के तेज बहाव के साथ बहती चली आ रही थी, और जब गुप्तार घाट के पास तैनात जल पुलिस की टीम की नजर इन पर पड़ी तो उन्होंने नाविकों की मदद से दोनों गायों को बचा लिया। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों के पास न जाने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीर यूपी के हरदोई की है, जहां बारिश की वजह से नदी में पानी और उसकी रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में बह चुका है। लेकिन ये भाई साहब को देख लीजिए, ये नीचे देख रहे हैं पानी किस रफ्तार में बह रहा है, सड़क नहीं बची है। उस सैलाब को एक शख्स रील बनाने के चक्कर में एक पाइप के ऊपर बैठकर पार करता नजर आ रहा है। मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो रुका नहीं, क्योंकि उसको रील बनाना है। एक तो रील ने भाई जीवन नरक कर दिया है कई बार। सड़क बह गई, नीचे देखिए क्या रफ्तार है, भाई जो है वो पाइप से आ रहा है, किसी से कोई वीडियो बना रहा साहब। हरदोई में तो इस शख्स ने किसी तरह नदी पार कर दी, लेकिन उफान मारती नदी से खिलवाड़ करना मतलब अपनी जान आफत में। मध्य प्रदेश के हरदा की तस्वीर देखिए, यहां बारिश की वजह से कोलार नदी का पानी सड़क से होकर बहने लगा। ज्यादातर लोग तो सड़क से होकर बह रही नदी के दोनों तरफ खड़े नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने बाइक साथ में लेकर नदी को पार करने की कोशिश की। उनको लगा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन उनकी बाइक पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मिलकर किसी तरह बाइक को बहने से बचाया। इसी तरह की लापरवाही की एक और तस्वीर दिखा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर की यह तस्वीर, जहां पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से चेरपाल नदी अपने किनारों को पार कर नेशनल हाईवे के ऊपर से होकर बहने लगी। लेकिन नदी का पानी बढ़ने के बावजूद इलाके के विधायक ट्रैक्टर चलाते हुए अपने साथियों के साथ पानी में उतर गए। जब विधायक जी जान जोखिम में डालने की उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई के अंतिम संस्कार में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए उफनती नदी को पार किया। बताइए, अंतिम संस्कार में जाने के लिए अपनी अंतिम यात्रा ना निकल जाए इसकी भी चिंता न थी।
जबकि हाईवे के ऊपर बह रहा पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी के दोनों तरफ, हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई, कोई नहीं क्रॉस कर रहा था, लेकिन विधायक जी गए क्रॉस कर। बीजापुर में तो विधायक का ट्रैक्टर किसी तरह पानी के पार पहुंच गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रैक्टर ड्राइवर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। यहां ट्रैक्टर के ड्राइवर ने राशन से लदी ट्रॉली के साथ सड़क के ऊपर से बह रही नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि उसका पूरा ट्रैक्टर करीब करीब डूब ही गया, जिसके बाद पानी में डूबे ट्रैक्टर को खींचने के लिए दूसरा ट्रैक्टर लाना पड़ा। मतलब उस ट्रैक्टर को बताना पड़ा कि चलो भाई तुम्हारा भाई डूब रहा है। अब महाराष्ट्र के यवतमाल की तस्वीर देखो। बाढ़ और बारिश ने लोगों को इतना बेहाल कर दिया है कि शव यात्रा निकालने के लिए भी लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ी, और शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कमर तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। यूपी से आई बाढ़ की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कानपुर में भी गंगा का बढ़ता पानी लोगों को डराने लगा है। घाट की सीढ़ियां गंगा नदी के पानी में डूब चुकी हैं। गंगा नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को वहां से हटाना पड़ा है। कुछ इसी तरह गंगा ने वाराणसी के लोगों की भी टेंशन बढ़ाई हुई। वाराणसी में हर घंटे गंगा में पानी का लेवल 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। नदी किनारे बने कई छोटे मंदिर और ज्यादातर घाट पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वाराणसी के नमो घाट से हमारे सहयोगी की जरा एक रिपोर्ट देखिए, वहां क्या हालत है। वाराणसी में गंगा प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हूं, और आप यहां पर किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसकी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए मेरे कमर का जो पानी है वो बिल्कुल आ चुका है, जबकि यहां से लगभग 15 से 20 मीटर आगे तक जो घाट की सीढ़ियां हैं वो है, मतलब लगभग 25 से 30 सीढ़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं, और आने वाले दिनों में घाट के ऊपर पानी आ जाएगा। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जल स्तर लोगों को डराने लगा है, तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के कई जिले पहले ही बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यूपी में उत्तराखंड और नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इन जिलों में 20 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से हो रही मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी ही नहीं, आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश से बेहाल है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जिन राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें एक तो उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ये सारे राज्य हैं जहां भयंकर बारिश हो सकती है, अलर्ट जारी किया गया है।